श्रमजीवी कॉलेज में निर्दलीय से ओम प्रकाश गुर्जर निर्विरोध विजय। कॉलेज में एक ही संगठन के होने के कारण ओम प्रकाश को मिला अध्यक्ष पद। निकाला जीत का जुलूस। छात्र संघ चुनाव में जहाँ सभी महाविद्यालयों में नामांकन भरे जा रहे हैं, उसी कड़ी में दूसरी ओर श्रमजीवी कॉलेज में निर्दलीय से खड़े हुए ओम प्रकाश गुर्जर निर्विरोध विजय हुए, क्योंकि इस कॉलेज में ना तो NSU है और ना ही ABVP, इसलिए ओम प्रकाश गुर्जर को निर्विरोध जीत दे दी गई है। इसी खुशी में आज समर्थकों ने उनकी जीत का जुलूस निकाला और माला पहनाकर बधाई दी। मैं श्रमजीवी कॉलेज से छात्र संघ से निर्दलीय मतलब निर्विरोध चुनाव जीत गया। आपके पहले कौन है और क्या बनते हैं? आपके पैनल में कौन कौन है और क्या प्रमुखताएं रहेंगी? निर्विरोध निर्विरोध कॉलेज के विकास का काम करेंगे और कॉलेज के जो भी मतलब समस्या विकास का काम करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश गुर्जर। आज श्रमजीवी महाविद्यालय के अंदर सभी भाइयों के सहयोग के कारण विद्यार्थी परिषद को पहले तो ये है कि इनको प्रत्याशी भी नहीं मिला और विद्यार्थी परिषद को आज हमने रण की हुंकार भरी है। विद्यार्थी परिषद को निपटाएंगे हम और इसकी शुरुआत श्रमजीवी महाविद्यालय से करी है। श्रमजीवी महाविद्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद को कैंडिडेट नहीं मिला और हमने यहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष और संपूर्ण पदाधिकारी को निर्दलीय और निर्विरोध जिताया है और यही हमने राजकीय विधि महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते वहाँ पे हमने चारों कैंडिडेट उतारे हैं। विभा शर्मा छात्र संघ अध्यक्ष और राज चौधरी उपाध्यक्ष और महासचिव किरण शर्मा और सचिव वसीम खान, इन चारों को उतारा है और हमारी यही है कि हम पिछली बार भी चारों कैंडिडेट निर्दलीय जीते थे और इस बार भी चारों कैंडिडेट हम निर्दलीय लेकर आएंगे। विद्यार्थी परिषद को पूर्णतः निपटाएंगे क्योंकि विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की हत्या करी है और उनको अभी तो शुरुआत हो रही है श्रमजीवी महाविद्यालय से, दूसरी शुरुआत होगी विधि महाविद्यालय से और उसकी शुरुआत होगी हर जगह से होगी हर महाविद्यालय। विद्यार्थी परिषद ने पिछली बार भी और पिछले 2 सालों में एक एक महाविद्यालय जीता है और इस बार भी गलती से कोई एक महाविद्यालय जीत जावे वो एक उनके पास एक असंगति के कारण होगा। एक महाविद्यालय जीत सके तो जीत सकती है वरना सबसे ज़्यादा निर्दलीय जिताने का हम प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। निर्दलीय उतरने की हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा कार्यकर्ताओं की हत्या करती आई है तो विद्यार्थी परिषद को मुँह तोड़ जवाब दिया है और हमेशा विद्यार्थी परिषद को मुँह तोड़ जवाब देंगे। क्या प्रमुखताएं रहेंगे आपकी? श्रमजीवी कॉलेज के अंदर विकास की कई मांगे हैं जिसमें लेक्चरार नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और कई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे भाई मिलकर इन विकास के मुद्दों की ओर चर्चा करेंगे और इनको संपूर्ण पूर्ण करेंगे। राजकीय विधि महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते इस बार महाविद्यालय के अंदर कई जो समस्याएं थी उनको हमने पूर्ण कराएं और एक प्रमुख जो समस्या है अभी जो मान्यता को लेकर अटकी हुई है उसको हम आने कुछ ही दिनों या कुछ ही कम से कम 20 या 25 दिनों के अंदर हम मान्यता लाने का प्रयास करेंगे। मुरलीधर बेनीवाल छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर।